हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आरसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हो गया सैटरडे और अभी हो गए दोपहर हो गए और मेरा व्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। आज का व्लॉग यहाँ पे चार में खेल रही है, हम लोग बैठे हैं। हेलो एवरीवन। मम्मी। यस चमी। मम्मी मम्मी। यस चमी। यस चमी। मम्मी। यस चमी। मैं खाऊं। यस चमी। आई लव यू। ड्रेस के छे? की का ड्रेस? आई रियो। तो टेडी कहीं गयू? पापा कहीं गयू? पापा, ओह वो इस पिक, लुक देयर, ओह हे वायामा, लुक देयर, ओह आई कांट टॉक टू मी, बाय। तो अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल राइस, और उसके लिए राइस मैंने ऑलरेडी उबाल दिया है और मैं छन्नी में निकाल दूँगी अब। और अभी मैं शुरू करती हूँ, सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे जो भी घर पे सब्जी थी वो मैंने ले ली, जैसे कि आलू, प्याज, पेपर और पीस थे। तो ये सारी सब्जी मैंने पहले तो छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। और ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये वेजिटेबल राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे चिली, गार्लिक थोड़े से लिए हैं और ये सारी वेजिटेबल। तो ये वाला जो राइस है, सबसे पहले तो मैं थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि राइस कितना अच्छा हुआ है, दाना दाना दिख रहा है। तो यहाँ पे राइस फ्राइड हो चुका है और उसको अभी मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। तो सबसे पहले मैं 3 या 4 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तब थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, 1 स्पून। और जब जीरा होता है तो गार्लिक और चिली जो मैंने ऑलरेडी कटी रखी थी, और जब वो पक जाती है अच्छे से, थोड़े टाइम तक मैं पकाती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और जो मैंने सब्जियां काट रखी है वो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक, और अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि हल्दी, नमक और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियां ऐसे ही पकाऊंगी, और मैं कोई कवर करके नहीं पकाऊंगी, ऐसे ही खुला रखकर मैं पकाऊंगी। ताकि क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कवर करूंगी तो पानी आएगा स्टीम की वजह से, और पानी आने की वजह से जो मैं राइस मिक्स करूंगी तो वो सारा राइस चिपक जाएगा और वो अलग अलग छुट्टा दाना नहीं रहेगा। तो मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी खुला रखकर। तो मिक्स वेजिटेबल पक जाने के बाद मैंने राइस को ऊपर से ऐसे डाल दिया था, और अभी खाने का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से हो गया है मिक्स वेजिटेबल राइस। और मुझे ये बहुत ही इजी और क्विक लगता है, और आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो, मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।